iPhone 11 एंड iPhone 12 mini, ये दोनों ही iPhones लगभग सेम प्राइस पे सेल होते हैं। अभी इन दोनों iPhones की प्राइसिंग लगभग 45 से लेके 50,000 रुपीज है, बट वहीं सेल में आपको इनकी प्राइसिंग लगभग 40,000 रुपीज के आसपास मिल जाती है Flipkart एंड Amazon पे। एंड वहीं अगर हम इन दोनों iPhones को सेकंड हैंड भी परचेज करते हैं तो इनकी प्राइसिंग काफी सिमिलर रहती है, क्योंकि मैंने इस वाले iPhone 12 mini को भी परचेज करा था 35,000 रुपीज में OLX से, केवल एक महीने पुराना 100% बैटरी हेल्थ के साथ। एंड इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो आज हम इन दोनों ही iPhones की डिटेल में बात करेंगे एंड कंपेयर करेंगे हर चीज में, एंड आपको बताऊंगा कौन सा iPhone आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं एंड उसके बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। सो वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, हमें जल्दी ही कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो डिजाइन के मामले में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। iPhone 11 में राउंड एजेस हैं, वहीं iPhone 12 mini में आपको फ्लैट एजेस देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक अदर लेटेस्ट iPhones। तो ये चीज जाती है आपकी पर्सनल चॉइस पे, क्योंकि हो सकता है काफी सारे लोगों को फ्लैट एजेस पसंद आए, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आज की डेट में राउंड एजेस को ज्यादा पसंद करते हैं, वो लोग फोन को बिना केस के यूज करते हैं। स्टिल अगर आप लोग फोन को केस के साथ यूज करने वाले हो तो इतना ज्यादा फर्क फील नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के, तो दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। दोनों फोन्स में एप्पल ने साइड में यूज करा है एल्युमिनियम फ्रेम, फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, बट इस मामले में आईफोन 12 mini थोड़ा सा बेटर है। इसमें आपको फ्रंट में सेरेमिक शील्ड मिलती है जो कि आईफोन 11 के फ्रंट ग्लास से ज्यादा ड्यूरेबल है। स्टिल आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा दैट आपको फोन को हमेशा ही स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ यूज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े डिफरेंसेस निकल कर आते हैं, क्योंकि iPhone 12 mini का साइज काफी ज्यादा छोटा है एंड ये फोन बहुत ज्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू iPhone 11। iPhone 12 mini का वेट केवल 135 ग्राम्स है, वहीं iPhone 11 का वेट है 194 ग्राम्स, जो कि काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपके हाथ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आई थिंक आपको iPhone 11 को एक हाथ से यूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके बेजल्स भी ज्यादा हैं, राउंड एजेस हैं, जिसकी वजह से फोन की विड्थ ज्यादा है। वहीं iPhone 12 mini एक हाथ से यूज करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कि फोन के डिस्प्ले पे रीचेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है इतना ज्यादा छोटा फोन होने की वजह से। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हाथ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, वो लोग बड़े फोन्स को यूज करते हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली iPhone 12 mini के साथ प्रॉब्लम हो सकती है एंड उस केस में iPhone 12 mini अनकंफर्टेबल फील हो सकता है ज्यादा छोटा होने की वजह से। तो अगर आप लोग साइज को लेके कंफ्यूज हो, आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा आपको किसी स्टोर में जाना चाहिए, दोनों फोन्स का डेमो लेना चाहिए एंड उसी के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से इंटरनेट पर आपको पता नहीं चल पाएगा साइज में डिफरेंस कितना है एंड आपको उस चीज को एक्चुअल में फील करना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ऑलमोस्ट सभी को ये चीज पता है कि iPhone 11 में IPS LCD पैनल है, वही iPhone 12 mini में OLED पैनल है, तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज में काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि iPhone 12 mini में केवल 5.4 इंचेस का डिस्प्ले है, वही iPhone 11 में रेगुलर 6.1 इंचेस का। बट iPhone 12 mini का डिस्प्ले छोटा होने के बाद भी ज्यादा शार्प है, इसमें आपको 476 की PPI देखने को मिलेगी, वहीं आपको iPhone 11 में केवल 326 की PPI देखने को मिलती है। उसके साथ iPhone 12 mini का डिस्प्ले ट्रू HDR को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें Dolby Vision का सपोर्ट है, तो HDR कंटेंट में इसकी परफॉर्मेंस iPhone 11 से बहुत ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस भी ज्यादा है 1200 nits की, जो कि iPhone 11 में लिमिटेड है 625 nits तक। एंड उसी के साथ iPhone 12 mini के डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स भी बेटर हैं, क्योंकि एक OLED पैनल है, डार्क सिचुएशन में कंटेंट वॉचिंग ज्यादा बेटर है डीपर ब्लैक्स की वजह से। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं आउटडोर ब्राइटनेस की, दोनों फोन्स की आउटडोर ब्राइटनेस बिल्कुल बराबर है 625 nits की, बट स्टिल iPhone 12 mini में OLED पैनल है जिसकी वजह से इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर लगती है। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, कौन सा डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, डे टू डे लाइफ में कौन सा डिस्प्ले ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इन दोनों डिस्प्लेस को काफी ज्यादा कंपेयर करने के बाद एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि कोई भी डिस्प्ले दूसरे से बेटर नहीं है, क्योंकि iPhone 11 के पास एक एडवांटेज जाता है बड़े डिस्प्ले का, जिसकी वजह से इसके डिस्प्ले में गेमिंग का एक्सपीरियंस, मल्टीमीडिया कंजप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, वही वो एक्सपीरियंस iPhone 12 mini के डिस्प्ले में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोगों को iPhone 12 mini के डिस्प्ले साइज के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली iPhone 12 mini का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है एंड अल्टीमेटली ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको iPhone 12 mini के डिस्प्ले में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एंड उसी के साथ मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नोटिस करी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कि डेफिनेटली आपको ऑन पेपर स्पेक्स पढ़ के पता नहीं चल पाएंगी। तो आईफोन 11 में A13 बायोनिक चिप है 4GB ऑफ रैम के साथ, वही आईफोन 12 मिनी में आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, अगेन 4GB ऑफ रैम। तो सभी को ये चीज पता है कि A14 चिप ज्यादा एफिशिएंट है, इसमें आपको हीटिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू A13 चिप। तो ये डिफरेंसेस आईफोन 12 में ज्यादा विजिबल है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 मिनी, बट आईफोन 12 मिनी में साइज की वजह से ये एडवांटेज नहीं आता है क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है, इसमें हीट डिसिपेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू रेगुलर साइज, जिसकी वजह से हीट मैनेजमेंट में आईफोन 12 मिनी को कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 11। वही हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे टास्क में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इन दोनों फोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आईफोन 11 में आपको PPI कम देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है A13 के हिसाब से भी। एंड वही हम बात करते हैं गेमिंग की, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि दोनों फोन्स में आपको BGMI में HDR+ एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिलता है, एंड दोनों फोन्स काफी ज्यादा अच्छा गेम प्ले कर देते हैं बिना किसी लैग्स के, बट डेफिनेटली स्क्रीन साइज की वजह से आईफोन 11 में गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर रहता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में A14 चिप में आपको जो एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं आईफोन 12 मिनी उन सबको शो नहीं कर पाता है, स्मॉलर बैटरी कैपेसिटी, स्मॉलर बॉडी की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं कैमरास की, दोनों आईफोन्स में आपको तीनों लेंसेस 12 मेगापिक्सल्स के देखने को मिलेंगे, फ्रंट, मेन एंड अल्ट्रा वाइड लेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लेंस की, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। आईफोन 12 मिनी में आपको HDR परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगी, फोटोज में डिटेल्स थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी आती हैं, बट इसके अलावा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं डे लाइट के साथ साथ नाइट टाइम में भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, तो प्राइमरी लेंस में कोई नोटिसेबल अपग्रेड नहीं है। वही हम बात करते हैं वीडियो की, तो यहाँ पे भी दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा अच्छी स्टेबल वीडियोस को शूट कर सकते हैं 4K 60fps तक, बट आईफोन 12 मिनी में एक एडवांटेज है, इसमें आप HDR वीडियो को शूट कर सकते हो 4K 30fps तक। बट वहीं अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस की, तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, इसकी परफॉर्मेंस काफी बेटर है, डे लाइट में आपको यहाँ पे शार्पनेस ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड उसी के साथ इसमें आपको नाइट मोड भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से लो लाइट सिचुएशंस में अल्ट्रावाइड लेंस से लिए गई फोटोज काफी ज्यादा बेटर आती हैं। एंड वही हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे भी डे लाइट में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं, बेटर HDR परफॉर्मेंस है, थोड़ी बहुत ज्यादा शार्पनेस आती है फोटोज में, एंड अल्ट्रावाइड लेंस की तरह ही लो लाइट सिचुएशंस में यहाँ पे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है ड्यू टू डेडिकेटेड नाइट मोड। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आईफोन 12 मिनी की कैमरा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है आईफोन 11 के कंपैरिजन में। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है कैमरा, आपको व्लॉगिंग करनी है, वीडियोस बनानी है, अल्ट्रा वाइड लेंस का ज्यादा यूज करना है, तो आईफोन 12 मिनी डेफिनेटली बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो इस चीज में लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, तो अगर आप लोग इन दोनों फोन्स का डेडिकेटेड बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। तो ऑन पेपर बैटरी कैपेसिटीज में बहुत ज्यादा फर्क है, आईफोन 11 में अराउंड 3110mAh की बैटरी है, वहीं आईफोन 12 मिनी में 2227mAh। तो मेरे पास ये दोनों ही आईफोन्स लेटेस्ट iOS 15 पे अपडेटेड हैं, वहीं दोनों आईफोन्स की बैटरी हेल्थ 100% है। तो डे टू डे टास्क में मुझे दोनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट इक्वल लगती है, मतलब कि ऐसा लगता नहीं कि इनमें ज्यादा फर्क है। एंड फोन्स को नॉर्मल तरीके से यूज करने में दोनों ही फोन्स की बैटरीज लगभग एक ही स्पीड से ड्रेन होती हैं, बट वहीं मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बिना यूज करे आईफोन 12 मिनी में ज्यादा बैटरी का ड्रेन होता है, मतलब कि स्टैंड बाय टाइम आईफोन 12 मिनी का इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इवन आईफोन 11 का ज्यादा बेटर है। अब मे भी हो सकता है ज्यादा बैटरी की कैपेसिटी है इसकी वजह से ऐसा हो, बट वहीं आईफोन 12 मिनी में आपको कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, इसमें 20 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, वहीं आईफोन 11 में 18 वॉट्स की। उसी के साथ आईफोन 12 मिनी में आपको मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है अप टू 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, नेटवर्क्स। तो यहाँ पे आईफोन 12 मिनी डेफिनेटली विनर रहता है, इसमें आपको 5G देखने को मिलता है जो कि आईफोन 11 में मिसिंग है, एंड काफी सारे लोग आईफोन 11 को ना लेने का सोच रहे हैं केवल 5G की वजह से। तो ऑब्वियसली आईफोन 12 मिनी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है 5G होने की वजह से, बट वहीं अगर हम बात करते हैं नेटवर्क रिसेप्शन की, LTE परफॉर्मेंस या फिर वाईफाई परफॉर्मेंस, तो उसमें भी आईफोन 12 मिनी काफी ज्यादा बेटर है। तो सिम के साथ 4G की स्पीड भी आपको आईफोन 12 मिनी में अच्छी देखने को मिलेगी, वहीं वाईफाई रिसेप्शन भी बेटर है, स्पीड ज्यादा सपोर्ट करता है, ज्यादा अच्छी रेंज है वाईफाई की। तो नेटवर्क्स के मामले में डेफिनेटली आईफोन 12 मिनी काफी बेटर है, नोटिसेबल डिफरेंस है। वही हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, लाइक IP रेटिंग, स्पीकर्स, फेस ID। तो दोनों ही फोन्स में आपको IP68 की रेटिंग देखने में मिलती है, बट रेटिंग आईफोन 12 मिनी की बेटर है 6 meters for 30 minutes, वहीं आईफोन 11 की 2 meters for 30 minutes। उसी के बाद हम बात करते हैं स्पीकर्स की, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस हैं। लाउडनेस की बात करें तो दोनों फोन्स के स्पीकर्स लगभग बराबर लाउड हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, बट वहीं अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो आईफोन 12 मिनी के स्पीकर्स में थोड़ी सी बेटर क्वालिटी है
इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ा बेटर है, ट्रेबल्स थोड़े से और अच्छे हैं एंड स्पीकर की आउटपुट थोड़ी सी रिच है, तो ओवरऑल स्पीकर की क्वालिटी आईफोन 12 मिनी की बेटर है। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं फेस आईडी की, तो यहाँ पे मुझे फेस आईडी की स्पीड में एंड कवरेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा है। एंड फेस को लगभग बराबर एंगल से कवर कर लेते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आता है वो iOS 15.4 के अपडेट के बाद। iPhone 12 mini में आपको फेस आईडी विद मास्क का फीचर देखने को मिल गया है, जो कि iPhone 11 में मिसिंग है। तो वैसे तो फेस आईडी के परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं है, बट इस चीज के बाद डेफिनेटली iPhone 12 mini काफी बेटर रहेगा आजकल के टाइम में। सो गाइस, ये तो हो गई सारी बातें कंपैरिजन की। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, किस तरह के लोगों को कौन सा फोन बाय करना चाहिए, अल्टीमेटली कौन सा आईफोन बेटर है। तो दोनों आईफोन्स को खरीदने से पहले आप लोगों को इंसिस्ट करना चाहूँ कि आप लोगों को किसी शोरूम में जाके इन दोनों फोन्स का डेमो जरूर लेना चाहिए। आपको साइज का कंपैरिजन जरूर देखना चाहिए आपके हाथ के साइज के हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, ज्यादा सुटेबल है। एंड अगर आप इन दोनों फोन्स के साइज के साथ कंफर्टेबल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस केस में आईफोन 12 मिनी एक बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, इसमें आपको 5G देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले साइज को छोड़ के ओवरऑल हर चीज की क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तो एक एवरेज यूजर को मैं iPhone 12 mini को रिकमेंड करना चाहूंगा ओवर iPhone 11, बट वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मेन प्रायोरिटी है मल्टीमीडिया कंजप्शन, गेमिंग, एंड उन लोगों ने हमेशा ही बड़े डिस्प्ले का फोन यूज करा है, तो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा आपको iPhone 11 लेना चाहिए। बाकी सारी चीजों की वजह से डिस्प्ले के साइज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस एंड गेमिंग एक्सपीरियंस iPhone 11 में ज्यादा बेटर है। अब डिस्प्ले की क्वालिटी में फर्क है, बट इतना ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है जितना डिस्प्ले के साइज में फर्क है। स्टिल बहुत सारे लोग iPhone 11 को 30 से लेकर 35,000 रुपए के रेंज में बाय कर रहे हैं काफी अच्छी कंडीशन में, तो आई वुड से उस रेंज में iPhone 11 काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आपको iPhone 11 की इतनी अच्छी डील मिलती है इतने कम प्राइस में, तो डेफिनेटली आप iPhone 11 को भी बाय कर सकते हो। बट अगर आप लोग 35 या फिर 40,000 के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो फिर iPhone 11 लेना इतना ज्यादा सही नहीं होगा, एंड उस केस में आपको ज्यादा फ्यूचर प्रूफ डिवाइस लेना चाहिए। सो गाइस, आई होप आपके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग iPhone 11 एंड iPhone 12 मिनी। स्टिल अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।